राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 18 नवंबर 2016 को सेवाग्राम आश्रम से महात्मा गांधी के जीवन और उनका संदेश पूरी दुनिया में फैलाने के लिए निकले महाराष्ट्र के नितिन सोनन वापस लौट गए हैं। नितिन का कहना है कि महात्मा गांधी पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। धर्मशाला पहुंचे नितिन ने कहा कि वर्किंग और साइकिलिंग, नेचर और लोगों से जुड़ने का ये सबसे बेहतरीन माध्यम है। महात्मा गांधी का अहिंसा का जो संदेश है उसे देश व विदेश में पहुंचाया जाए, इसी को लेकर उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। 5 साल में नितिन 46 देशों की यात्रा कर चुके हैं और 2 दिन पहले ही धर्मशाला पहुंचे थे। नितिन ने बताया कि विश्व के विभिन्न देशों की यात्रा के दौरान लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप कभी धर्मशाला गए हो, तो मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं नहीं गया हूँ। भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि दलाई लामा यहाँ रह रहे हैं और निर्वासित तिब्बती अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दलाई लामा अहिंसा और शांति के रूप में पूरे विश्व में एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने बताया कि 4 साल 5 महीने के उपरांत वे भारत लौटे हैं। उन्होंने पाकिस्तान भी जाना था लेकिन अफगानिस्तान में वीजा नहीं मिल पाया और वे काबुल से हवाई यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली से ट्रेन के माध्यम से बाघा बॉर्डर पहुंचे थे। 13 जुलाई को बाघा बॉर्डर से यात्रा शुरू की और धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला से जम्मू जाना है और फिर वहां से श्रीनगर जाएंगे और 15 अगस्त तक वहीं रहेंगे। श्रीनगर से पैदल यात्रा करते हुए फिर दिल्ली पहुंचेंगे, जहां 2 अक्टूबर को राजघाट दिल्ली में अपनी यात्रा को वे संपन्न करेंगे। मेरा नाम नितिन सनावन है और मैं महाराष्ट्र के राशिन गांव से आता हूं, जो कि पुणे से नज़दीक है। और पिछले 18 नवंबर 2016 को ये यात्रा की शुरुआत हुई थी सेवाग्राम आश्रम वर्धा, जो कि गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यात्रा निकाली थी। कि उनकी जो लाइफ है और मैसेज है वो पूरा इंस्पिरेशन है पूरे दुनिया के लिए। तो वॉकिंग और साइकिलिंग ये वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है कि लोगों के साथ कनेक्ट हुए, नेचर के साथ कनेक्ट हो और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो। तो ये जो मैसेज है अहिंसा का, वो स्ट्रांगली लोगों को हम रिकमेंड करें। तो दुनिया भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से यात्रा निकली, जहाँ पे मैंने बच्चों के साथ अहिंसा और सत्य की बात की, जो कि गांधी जी की पूरी जीवन शैली उसके ऊपर आधारित थी। और नॉन वायलेंस जो है, जो कि हमारे माइंड, अपने टॉक और एक्शन में तीनों के इसमें कैसे ला सकते हैं, तो इसके ऊपर ये यात्रा पूरी दुनिया में निकाली। तो अभी 5 साल हुए और 46 कंट्रीज दुनिया की हुई है। तो डे फॉर यस्टरडे, परसों ही मैं यहाँ धर्मशाला आया हूँ। मेरे जो दोस्त हैं यहाँ के, मनोज कुमार जी, उन्होंने यहाँ पे रहने का प्रबंध किया और खाने का। और आई एम ब्लेस कि मैं दलाई लामा जी के टेम्पल जा पाया हूँ, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे जो टूरिस्ट ट्रैवल्स थे, लोग थे, उन्होंने पूछा कि आप कभी हिमालय या धर्मशाला गए थे। तो मैं आई वॉज नॉट फीलिंग गुड कि मैं नहीं गया था। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि आई वॉज देयर एंड आई थिंक इंडिया इज़ ब्लेस कि हम दलाई लामा जी को यहाँ पे हम रिफ्यूजी कर रहे हैं, और तिब्बतन लोगों को, जो कि नॉन वायलेंस के साथ इंडिपेंडेंस की फाइट कर रहे हैं। तो इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर इंडिया एंड अस, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं मुकुटगंज में रहा हूँ, जो कि दलाई लामा जी यहाँ पे रहते हैं और वो पूरी दुनिया को इंस्पिरेशन है नॉन वायलेंस और पीस के लिए। तो इट वॉज़ अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर। तो 4 साल और 5 महीने के बाद मैं इंडिया लौटा हूँ, और पाकिस्तान मुझे जाना था लेकिन वीज़ा नहीं मिल पाया अफगानिस्तान से। तो काबुल से मैं दिल्ली आया फ्लाइट से, वहाँ से ट्रेन से वाघा बॉर्डर। तो 13 जुलाई को मैंने वाघा बॉर्डर से यात्रा शुरू की, पीस वॉक। और अभी वाघा बॉर्डर से धर्मशाला, धर्मशाला से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, 15 अगस्त को मैं श्रीनगर में होगा, फिर वहाँ से पैदल यात्रा करके दिल्ली, 2 अक्टूबर 2021 में यात्रा का अंत होगा राजघाट दिल्ली में, जो कि बापूजी की 152वीं जयंती है, उसी उपलक्ष्य में हम वहाँ पे यात्रा की समाप्ति करेंगे और आगे फिर घर वापसी के लिए कदम उठाएंगे। जो इंडिया की यात्रा है,